नमस्कार, मैं रुंकू यादव, राम राजी इंटर कॉलेज नारायणपुर प्रीतमपुर अम्बेडकर नगर के वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे क्लास 9 का फिजिक्स। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ाया था चाल, दूरी और समय में संबंध मात्रक को भी बता दिया था, ठीक है, डेफिनेशन को भी बताया था। आज इसमें हम पढ़ाएंगे गति के बारे में। तो गति की दर को मापन कैसे मापते हैं कि गति की गति को हम किस प्रकार मापा जाता है, यानी गति की दर का मापन, गति की दर का मापन। आप देखोगे इस पे गति की दर को मापने के लिए बाइक में ओडोमीटर लगे होते हैं, ठीक है, और गति के अनेक यंत्रों में अनेक प्रकार का जो मापन यंत्र लगा होता है। जैसे यदि हम किसी बाइक पर जाते हैं तो उसमें एक ओडोमीटर लगा होता है, ठीक है, ओडोमीटर के जरिए हम बाइक की स्पीड को नाप लेते हैं कि कितने समय कौन बाइक कितनी तेजी से गति कर रही है, ठीक है, कितनी तेजी से गति कर रही। जैसे यदि बाइक 40 किलोमीटर क्या है प्रति घंटा की दर से गति कर रही, तो आपका जो ओडोमीटर बाइक का वो दिखाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, वो दिखाता है। एक यहाँ 30 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकता है। इसलिए जो गति की मापन की दर है वो किलोमीटर में भी नापा जाता है, घंटे भी में नापा जाता है, और किस में नापा जाता है, मीटर प्रति सेकंड भी नापा जाता है, ठीक है, मीटर में प्रति सेकंड में भी नापा जाता है, ठीक है, और सेंटीमीटर प्रति सेकंड में भी नापा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह छोटी से छोटी इकाई में और बड़ी से बड़ी इकाई में नापा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए इनका कुल औसत क्या है, कुल गति का क्या है, गति को एक प्रकार से हम चाल भी कह सकते हैं, है ना, चाल भी कह सकते हैं। तो आप क्या करोगे, पूरे गति के मापक से आप औसत चाल से भी निकाल सकते हो, क्या कह सकते हो, इनका मापक औसत चाल से भी, चाल का स्पीड का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। सेम गति के मापन, तो गति का मापन यानी चाल का मापन, यानी चाल का मापन और गति का मापन सेम प्रक्रिया होती है। तो औसत चाल बराबर हो जाएगा यदि हम इसका मात्रक बड़े पैमाने, जैसे एक समय में निश्चित तो किसी लंबी लंबी दूरी को तय कर रहे हैं, तो उसके बाद कुछ समय हम चलते हैं 20 के स्पीड में, 20 किलोमीटर प्रति घंटा के, और कुछ समय हम चलते हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा के, और कुछ समय चलते हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो इस प्रकार यदि हम चलें देखें तो उनका जो समय होता है, ठीक है, औसत चाल के ही एवरेज जो निकाला जाता है, औसत निकाल लेते हैं, उसके हिसाब से ये निकल आता है कि उसकी स्पीड लगभग क्या होगी, एवरेज क्या होगा, औसत चाल क्या था। तो औसत चाल बराबर होता है तय की गई कुल दूरी बटा क्या, कुल समय, ठीक है। ये क्या होगा, औसत चाल की दूरी है। मान लेते हैं टी समय में जो कुल दूरी तय की जाती है, कुल दूरी जो तय की जाती है वो यस दूरी तय की गई, ठीक है। तो क्या होगा, तो औसत चाल v इक्वल टू एवरेज आप कर सकते हो, एवरेज आप ए बी लिख सकते हो, कुल औसत चाल बराबर हो जाएगा v इक्वल टू s/t, ठीक है। इस प्रकार के इसमें आपसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि औसत चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है, क्या ज्ञात कीजिए, औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो आपको यही सेम प्रक्रिया अपनानी, दिशा के साथ
चाल। यदि आपको एक निश्चित दिशा में चलना पड़े, अधिक व्यापक दूरी तय हो सकता है और अधिक व्यापक दूरी तय करना हो तो एक निश्चित दिशा में करनी हो, तो इसके लिए आप क्या करोगे, औसत चाल जो होगा, औसत चाल, ठीक है, लंबी दूरी तय करना पड़े, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि औसत चाल जो होगा वो क्या हो जाएगा, औसत चाल जो होगा वो हो जाएगा प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु प्लस अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु को क्या करोगे, ऐड करोगे, उसके बाद समय से क्या कर दोगे, भाग दे दोगे, उसमें से क्या करोगे, 2 से भाग दे दोगे, ठीक है, आया समझ में। यदि किसी गति की दर को आप अधिक व्यापक हो सकती है यदि वह चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करे, चाल के साथ साथ क्या, दिशा को भी व्यक्त करे, तो आप क्या करोगे, तो एक निश्चित चाल से, ठीक है, एक निश्चित चाल को क्या कहा जाता है, तो क्या करोगे आप, जब दिशा को भी अलग अलग दिशाओं में भी चलना पड़े तो आप उसको औसत चाल को व्यक्त करने के लिए आप क्या करोगे, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को जोड़ जोड़ करके उससे 2 से क्या कर दोगे, भाग दे दोगे, तो आ जाएगा औसत चाल जो है वो क्या आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं वेग किसे कहते हैं, वेग एक शब्द आता है औसत वेग, औसत चाल या औसत, या औसत वेग, वेग होता है एक समय अंतराल में, समय अंतराल में, अंतराल में तय की गई दूरी ही क्या कहलाता है, तय की गई दूरी ही क्या कहलाता है, वेग कहलाता है, वेग कहलाता है, वेग कहलाता है, ठीक है, इसमें एक समय अंतराल में, तो आप क्या करोगे, तो हो जाएगा वेग वी इक्वल टू तय की गई दूरी एस बाई टी, यहाँ मान लीजिए माना 1 सेकेंड, समय क्या है, समय 1 सेकेंड है, दूरी 1 मीटर है, दूरी क्या है, 1 मीटर है, तो आप वेग की परिभाषा दे सकते हो कि यदि कोई व्यक्ति या कोई पिंड 1 सेकेंड में यदि 1 मीटर की दूरी तय करे तो उसे उस पिंड का वेग कहा जाता है, ठीक है, इस तरह आप परिभाषित इसको कर सकते हो, ठीक है, वेग भी हो गया और ये हो गया, तो आप क्या करोगे, और औसत वेग ये हो गया, इसको थोड़ा सा और आप क्या करोगे, वेग बराबर ये हो जाएगा औसत चाल या औसत वेग बराबर हो जाएगा प्रारंभिक बिंदु यानी यू प्लस वी बटा क्या 2, ठीक है, इस तरह क्या करेंगे आप, इसको ऐसे हल कर लीजिए, ठीक, और उसके बाद नंबर आता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन दर। आप जानते हो कि जब वेग में आप चलते हो, स्पीड से चलते हो, तो उसमें यदि केयर ना किया जाए, एक निश्चित डिसाइड ना किया जाए कि इतनी वेग से चलना जाना हमको, इतनी चाल से जाना हमें से हमको, तो उसमें वेग में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है, जब वेग में परिवर्तन होता रहता है तो इसी को कहते हैं वेग में परिवर्तन की दर। अब उसे आप इस प्रकार भी कह सकते हो कि जैसे आप कहीं जा रहे हो तो 1 मीटर में एक आप 1 किलोमीटर चल रहे हैं 20 के स्पीड में, दूसरे मिनट में आप चल रहे हैं 30 के स्पीड में, चौथे मिनट में आप चल रहे हैं 50 के स्पीड में, तो इनका जो वेग में परिवर्तन होता रहता, अब इन्हीं वेग की परिवर्तन को दर को
जो ये परिवर्तन हो रहे हैं तो उसे कहा जाता है वेग में त्वरण, वेग का त्वरण। क्या कहा जाएगा इसे, क्या कहा जाएगा, वेग का त्वरण। तो हम क्या करेंगे, वेग का त्वरण भी कहते हैं। इस प्रकार हम त्वरण को भी परिभाषित कर सकते हैं वेग परिवर्तन की दर को। वेग क्या लिखोगे, वेग परिवर्तन की दर को। अब दर जुड़ गया है, इसका मतलब समय लिया गया, त्वरण है वेग परिवर्तन की दर को। त्वरण वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। अब त्वरण बराबर हो जाएगा, त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटा दर माने समय, ठीक है। दर मीन्स समय, अर्थात यदि माना, माना माना क्या है, मान लीजिए यदि जो प्रारंभिक वेग एक वस्तु का वेग, माना एक वस्तु का जो वेग है, वेग प्रारंभिक, वेग का प्रारंभिक बिंदु, वेग का प्रारंभिक बिंदु v है तथा अंतिम बिंदु, इससे पहले हमने पढ़ाया है v है, ठीक है। और जो समय ले रहा है और परिवर्तन का जो समय है t है, तो त्वरण बराबर यानी a बराबर अंतिम वेग क्या है, अंतिम वेग कौन सा रहेगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा टी, यानी अंतिम वेग माइनस अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु यू और प्रारंभिक बिंदु। क्या करोगे आप, घटा के उसके बाद समय से भाग दे दोगे, ये फॉर्मूला, ठीक है। विस्थापन भी बता दें, विस्थापन एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को विस्थापन कहा जाता है, तो दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया, इस वीडियो में बस यहीं तक। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है, धन्यवाद।